उतरती ठंड और चढ़ती गर्मी के बीच लोकसभा चुनाव की सरगर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के रोड शो हो या राहुल गांधी का दौरा या फिर गुलाम नबी आजाद की बस यात्रा, हरियाणा की राजनीति के प्रचार प्रसार के दृष्टिगत भाजपा व कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टियां ही आमने सामने नजर आ रही हैं। जहां तक इनेलो, जेजेपी या लोसुपा सरीखे दलों का सवाल है, हरियाणा के मतदाताओं के जहन और जुबान पर एक ही चर्चा रहती है कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का चुनाव करना होता है, लिहाजा क्षेत्रीय दलों को वोट देना कई मरतबा जोखिम भरा हो जाता है। मसलन यदि जनमत नरेंद्र मोदी के पक्ष में बना रहा, ऐसे में क्षेत्रीय दलों के उम्मीदवार वोट कटुआ भूमिका के चलते राजनीति की सिनेरिया बिगाड़ देते हैं। वैसे में 21वीं सदी के मतदाता अतीत की अपेक्षा वर्तमान में कहीं ज़्यादा जागरूक हो गया है। हालांकि बसपा को आंतरिक रूप से नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है, इसके बावजूद हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं में बसपा की हैसियत क्षेत्रीय दल से ज़्यादा नहीं है। लिहाजा लोकसभा चुनाव में जाहिर तौर पर भाजपा का कांग्रेस से मुकाबला होता नजर आ रहा है। माना जा रहा है सियासी दलों से जुड़े मतदाताओं का यही रुझान है कि ऊपर का वोट वे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को ही देंगे। मोदी का चाव हूँ तो आना तो मोदी चाहिए। मोदी पहले जो सरकारें थी तो उसके मुकाबले मोदी को ही क्यों चुन रहे आप? एक ईमानदारी के कारण। एक दूसरी बात यह है, देखो हम तो देहात में सुने हैं और नहीं ज़्यादा। एक दूसरी यह है, जो कर बम्बे में है ना, 70 आदमी मारे थे होटल में बैठ के, वो तो पूरे देश ने देखा। ताज होटल की बात करें, ताज होटल की है, 70 तो फालतू, एक उन्हें जिंदा पकड़ा था, उस जिंदे पर भी कई करोड़ रुपये ला दिए और बता के मसला कर। इसने 40 मारे, जवान मारे थे, इसने ते मरे तो 50 मारे तो आगे लेके, और उन 70 में भी नहीं करा कुछ भी। कहने का मतलब देश का बदला लिया ना? देश का यू बसाना चाह है, देश ने वो बस है मारा देश कुकरी, और ये भाई बसावा को जाते। जी राम राम जी, आपका क्या रुख लग गया जी? कुमार के बनू रहे तो कुर्सी पार्टी आओगी या बीजेपी आओगी? बीजेपी ही क्यों? ईमानदार आदमी है, बेलाग आदमी है, बिना कोई बेग आदमी है, देश खातिर करगा जो कुछ करगा, इसे अपने वलाद खातिर कौन करदा? देश का चौकीदार है और हम भी देश के चौकीदार हैं। इस देश में जितने नागरिक हैं सब इस देश के चौकीदार हैं, सब हरेक अपना चौकीदार ने मारा है या कांग्रेस ने मारी। अपना कहने का मतलब कर्तव्य सबको निभाना चाहिए आपका मतलब? निभाना चाहिए, अपना कर्तव्य जैसा भी है सबको निभाना चाहिए, लेकिन राहुल नहीं निभा रहे। ना जी क्यों? क्या खूबी तो बताओ उसकी। मैं बताऊंगा वो, हाँ मैं बताऊंगा। ये इन जब तो जवाहरलाल सत्यानाश कर गया, वो कश्मीर का मसला हल नहीं कराया, फिर 30 साल इनका राज रहेगा जब नहीं मसला हल होया, और ये 10 साल भी इनका इब रह गया, इब नहीं होया, और इसका अगला प्लान और आएगा ना मोदी का, यूँ मसला हल कर देगा, न्यू नहीं पसंद कर दे राहुल ने। पहले तो बांग्लादेश सारा मसला हल कराया, इसी मोर ला रखे, कोई से भी नहीं आ रही ना थे प्रधानमंत्री सारे, राष्ट्रपति भी, देश खाली तो कोई आ रही नहीं कुर्सी, जब भी तो यहाँ आ रही थे, इनने एक भी मसला हल नहीं कराया। बढ़िया, यदि राहुल आ गया जी फिर को किस तरह से देखते हो आप? देखो वो तो सोच है उसका, गुण ज्ञान की बात अंदर नहीं है जी, राहुल नहीं आओगा। अच्छा घटेगा अगर आप इसका मतलब जी, आपका क्या कहना है? मारा मोदी का ख्याल है भाई, और बड़े बढ़िया काम कर रहा है हमारे लिए, तो जमींदार के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है, खूब सुथरा काम कर रहा है, और स्पष्ट नेता है। एक आदमी आ रहा था वोट तोड़ से, आपका क्या कहना है इस बारे में? अरे मेरा भी निकल ले है, अरे रल गए। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका। खबरें ऐसी जो आपको जोड़े राजनीति से, खेल कूद से, व्यापार से, ज्ञान विज्ञान और संविधान से, खबरें ऐसी जो आपको जोड़े सामाजिक सरोकारों से, खबरें ऐसी जो आपको सावधान रखे अपराधों से, घटनाओं से, गुनाहों से, हर खबर का असर, आपका भरोसा ही हमारी पहचान। एक साल बेमिसाल सिटी तहलका, सच के साथ।